अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में तीन चार बहुत ही अहम खबरें हैं और हर एक खबर इतनी अहमियत की हामिल है कि उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि ब्रीफली इन सारों को टच करके आगे चलें। एक तो अफगान एम्बेसडर और उसकी साहबजादी का मामला, वो काफ़ी नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर गया। जिस तरह के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं उसके ऊपर पुलिस और इंटीरियर मिनिस्टर के बयान वो उसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। हकायक सामने आने चाहिए क्योंकि डिप्लोमेटिक स्टाफ को इंटरनेशनली एक इम्यूनिटी हासिल है, उसको कभी वायोलेट नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान या किसी भी आप और मुल्क में देखें, जितना गरीब मुल्क हो उनके सुफरा के पास उतनी बड़ी गाड़ियां होती हैं। तो यहां एम्बेसडर की साहबजादी को टैक्सी इस्तेमाल करनी पड़ी, उसकी क्या वजूहात थी, फिर उसके साथ जो वाकया पेश आया वो क्यों पेश आया, उसके पीछे मुहरकात क्या थे, कौन लोग थे, पूरी डिटेल्स जो हैं पब्लिकली लोगों को बताया भी जाना चाहिए और इंटरनेशनली भी डिप्लोमेटिक कम्यूनिटी के साथ शेयर भी की जानी चाहिए। फिर एक और ख़बर हमारे सामने नज़र ये आती है कि जो एस जे शंकर हैं भारतीय वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कहा कि भारत ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, अपना दबाव इस्तेमाल किया पाकिस्तान को एफएटीएफ के अंदर रखने के लिए। एफएटीएफ के अंदर रखने के लिए पाकिस्तान ने 27 में से 26 मुतालबात मंजूर किए और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग और ये हमारा हुंडी हवाला का सिस्टम जो टेरर फाइनेंस के इशूज़ थे इसके ऊपर नई लेजिस्लेशन भी की गई। इसके बावजूद लोगों को बहुत दुख हुआ कि सारा कुछ करने के बावजूद पाकिस्तान को एफएटीएफ के अंदर रखा गया। इल्ज़ाम यहाँ से यही लगाए गए कि ये पोलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है, लेकिन अब एस जे शंकर का जो बयान है वो उसकी तस्दीक करता है कि वाकई इसके अंदर पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व थी। फिर तीसरी खबर है एक पेगासस इसराइली स्पाईवेयर है जिसके ऊपर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने जर्नलिस्टों के, अपोजिशन पार्टीज़ के और जो सोशल एक्टिविस्ट थे, राइट्स एक्टिविस्ट थे, उनकी जासूसी के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का, ये जब वो अपोजिशन में थे उस वक्त का उनका जिक्र है, उनका भी नाम उनका एक नंबर जो माजी में वो इस्तेमाल करते रहे उस फहरिस्त के अंदर शामिल है जिसको भारतीय एजेंसी स्पाइंग के लिए इस्तेमाल करती नहीं। इसके अलावा भारत के अंदर जो मेजर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता जर्नलिस्ट हैं उनकी जासूसी की गई। और पूरी दुनिया में ये वाकयात बहुत सारे ममालिक में, ख़ास तौर पर हमारे जैसे जो मुल्क हैं उन्होंने तो इसको ज़रूर इस्तेमाल किया कि वो इसराइली सॉफ्टवेयर ख़रीदा और लोगों की जासूसी के लिए इस्तेमाल किया। एक और पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजिंग सिचुएशन है जिससे आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वो है कोरोना की वबा। पहले पाकिस्तान में कोरोना वाला वो वेरिएंट था जो चाइना से आया था, पूरी दुनिया में वही पहले गया था और पाकिस्तान में हालात उससे काफ़ी अबतर हुए, फिर हमने सूरत हाल संभाल ली। उसके बाद बरतानवी किस्म का जो वायरस था वो पाकिस्तान आ गया, बरतानिया ने अपना वायरस पाकिस्तानी भाई हमारे लेकर यहाँ आए थे फैला के वापस चले गए, लेकिन उन्होंने पाबंदी हमारे ऊपर ही लगा दी, रेड लिस्ट में हमें डाल दिया, इंडिया को नहीं डाला। फिर इंडियन वेरिएंट उसने अल्टीमेटली तो ये होना ही था, पूरे इंडिया में उसने तबाही फैलाई थी, वो यूरोप में भी गया। अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख हुआ हमें क्योंकि इसके ऊपर अगर बोरिस जॉनसन या बाकी जो यूरोपियन लीडर्स थे वो वक्त के ऊपर इकदाम कर लेते तो वहाँ पे भी बचत रहती और वो वायरस पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी ट्रांसफ़र ना होता। वो हुआ पाकिस्तान में। अब सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ शहरों में 20-22% पॉजिटिव रेशो आ रही है, जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें से 20-22% लोग पॉजिटिव आते हैं। तो ये जो डेल्टा नाम उसको दिया गया भारतीय जो वेरिएंट है, ये क्या वजूहात हुई पाकिस्तान में इतना तेज़ी से क्यों फैला, हमारे साथ हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनसे इसी पे बात। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये जो नए केसेस आपके सामने आ रहे हैं इसमें कितने परसेंट ये भारतीय किस्म का जो वायरस है डेल्टा वायरस का जिसको नाम दिया गया है उसकी किस्म पाई जाती है जो पॉजिटिव रेशो आ रही? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ज़्यादातर इलाकों में जब हमने इसको ढूंढने की कोशिश की है तो यह हमें मिला। इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा लहर है इसमें डेल्टा वेरिएंट या जो इंडियन भारतीय वेरिएंट है ये डेफिनेटली कार फरमा है। तो ये हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि जो प्रेजेंट लहर है इसमें एक डेफिनेट रोल जो है वो इस डेल्टा इंडियन वेरियंट का मौजूद है। एग्जैक्ट फिगर्स के कितने परसेंट ये है ये इसलिए बताना मुश्किल होता है क्योंकि या तो है कि जितने भी टेस्ट हो रहे हैं आप सबको सीक्वेंस करें, पीसीआर करना एक चीज़ होती है और सीक्वेंस करना जो है ना उससे ज़्यादा बहुत बड़ी डिटेल होती है। तो अगर तो आप सबको सीक्वेंस नहीं कर रहे तो आप सैम्पल एनालिसिस पर चल सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कई जगह अक्सर जगहों पर ये इस वक्त प्रीडोमिनेंट वेरियंट मौजूद है। प्रीडोमिनेंट ये बड़ी मेरे ख्याल में एक वो स्टेटमेंट है जो हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न होनी चाहिए कि प्रीडोमिनेंटली या भारतीय वेरिएंट है जो पाकिस्तान में फैल रहा है। जब कराची का मैं तذکرہ करूं जी, अगर वहां 22-23% पॉजिटिव रेशो आए तो 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है, यूरोप के बहुत सारे मुल्कों की आबादी इतनी नहीं होती, तो कितना बड़ा चैलेंज है ये। बिल्कुल चैलेंज है जी, क्योंकि एक चीज़ देखने में आई
और वो ये कि ये जितने भी वेरिएंट्स हैं, और ये अमूमी तौर पे वायरसेस का जो बिहेवियर है उसके ज़रिए हमें पहले भी पता था, यानी ये कोरोना से बहुत पहले ये चीज़ क्लियर थी कि जब भी एक वायरस फैलता है तो उसकी जो सब्सिक्वेंट एक्साम होती हैं, जो उसमें म्यूटेशंस आती हैं, नई वेरियंट्स आते हैं, अक्सर औकात वो फैलने में ज़्यादा तेज़ होते हैं, उनको एक सर्वाइवल एडवांटेज होता है जो कि एक डार्विनियन एवोल्यूशन का एक तरह से डेरिवेटिव है। अब जो यूके वेरिएंट था वो नॉर्मल पिछले वेरिएंट से ज़रा ज़्यादा तेज़ी से फैलता था, ये वो जो मौजूदा वाला है ये पिछले वाले से ज़रा तेज़ी से फैलता, तो इसके फैलाव में गुज़िश्ता जो वायरस होता है उसकी निस्बत थोड़ी सी एडवांटेज होता है, और तभी ये बाकी वायरस को, बाकी अकसाम को क्राउड आउट कर देता है, यानी ये प्रेडोमिनेंट किस्म बन जाता है इवेंचुअली। अब 90 से ज़्यादा मुल्कों में ये है, तो ये बिल्कुल चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज के कुछ हल भी हैं, और जौन सा मर्जी वेरिएंट हो, जिस मर्जी किस्म का वेरिएंट हो, आखिरकार एक बात तो अभी भी हमारे हाथ में है, वो ये कि ये फैलता बहरहाल रेस्पिरेटरी इलनेस, यानी ये सांस और खांसी के जरिए, तो इस सूरत हाल में मास्क जो है हमारे लिए इस वक्त इस मौजूदा सिचुएशन के अंदर, जब तक हमारी वैक्सीनेशन बहुत ऊपर नहीं चली जाती, मास्क हमारे लिए बहुत अहम टूल बरकरार है। बिल्कुल सही, जो वैक्सीन्स हम लगा रहे हैं डॉक्टर साहब, कुछ आपने अगर इस पे, एक तो आपने दादोशुमार दिए थे कि इस दफ़ा हॉस्पिटलाइजेशन कम है, उस वो लोगों को उस तरीके से, बुरे तरीके से बीमार नहीं करता जितना पहले कर रहा था जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, लेकिन क्या ऐसी वैक्सीन्स का भी कोई एनालिसिस आपके पास है कि कौन सी वैक्सीन्स इंडियन वेरियंट के ऊपर ज़्यादा मौसर तरीके से काम करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आप पाकवैक लगा रहे हैं, आप कैनसाइनो लगा रहे हैं, साइनोफॉर्म लगा रहे हैं, तो आर दे इक्वली इफेक्टिव? अच्छा, एक तो बात यह है कि अभी तक जो भी एविडेंस है वो ये है कि जितनी भी वेरिएंट्स अभी तक आए हैं, जो मौजूदा वैक्सीन जिन्होंने उसको एनालिसिस किया है, जो बड़े ममालिक है जिनके यहाँ बहुत सारी वैक्सीन लगी है, तो इसका एनालिसिस उनको यही बता रहा है कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है नई इकसाम के खिलाफ भी। उनकी जो वो कई दफ़ा लोग एंटीबॉडी लेवल मेजर करके कुछ इनडायरेक्टली नतीजे अखज़ करने की कोशिश करते हैं, उसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन ओवरऑल प्रोटेक्शन कायम है फिलहाल। और जहाँ तक ये जो हम वैक्सीन्स लगा रहे हैं, इसीलिए हमने अपना एनालिसिस किया रिसेंटली, मैंने थोड़ा उसके बारे में ट्वीट भी किया, किसी भी साइंसी और अदाद शुमार वाले मामले को एक ट्वीट जैसे मीडियम के ज़रिए करना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि उसका कई दफ़ा लोग पूरी बात या समझ नहीं पाता है, या उसके अंदर साइंसी नुक्स जो ढूंढना शुरू होते हैं, लेकिन इसका मकसद था, और इसका मकसद ये था कि हम बता पाएं कि एटलीस्ट रॉ नंबर्स पे, ब्रॉड कैलकुलेशंस में ये क्लियरली वाजे हो रहा है कि अगर आपने वैक्सीनेशन लगवाई है तो आपके नंबर्स कम है, और पाकिस्तान में ज़्यादातर वैक्सीन तो लगी ही साइनोफार्म और साइनोवैक है, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि जो प्रोटेक्शन है उसका एक मेजर मौजूद है इन वैक्सीन्स के ज़रिए। और अब हम थोड़ा फर्दर एनालिसिस भी कर रहे हैं और करेंगे, जिसके ज़रिए जो हम एक्चुअल हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट है इन वैक्सीन्स का, वो भी हम आपको एनालाइज करके देंगे, लेकिन चूंकि वो पहला एनालिसिस ज़रा जल्दी से हमने करके सामने रखना चाहते थे वो कर दिया, ये ज़रा डिटेल्ड है, और इसमें नेचुरली क्योंकि आपको इंडिविजुअल हॉस्पिटल लेवल जाके मोर्टेलिटी और एडमिशन देखनी है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन ये भी आपके सामने रखेंगे। एक लास्ट आपसे पूछ लूँ, लास्ट पिछली छोटी ईद के ऊपर आप लोगों ने कुछ इकदाम लिए थे जो मुनासिब फैसला था, 8-10 रोज़ के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट रोकी, वो जो छुट्टियां ईद हॉलीडेज थी उसको हमने इस्तेमाल किया, लोग घरों में भी रुके, और वायरस की जो वो नीचे हमने देखा कर्व एकदम तेज़ी से नीचे आया, 2 महीने अच्छे गुजर गए। अगेन अपॉर्चुनिटी है ईद हॉलीडेज पे, आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड हॉलीडेज की तरफ जाना चाहिए था। देखिए, वेरियस ऑप्शंस ऑन द टेबल थी, फिलहाल जो पिक की गई वो यही कि इस दफ़ा जो है जो छुट्टियां हैं वो 3 ही दी जाएं, लेकिन साथ साथ जो ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत महसूस की गई, और इसके पीछे एक वजह ये थी कि हम समझते हैं कि एट दिस पॉइंट हम दोनों तरफ से अगर अपना अटैक जारी रखें, यानी हम वैक्सीन्स की फराहमी और उसकी इस्तेमाल साथ साथ करते रहें, लेकिन जो चीज़ें हम कह रहे हैं कम अज़ कम उनको तो एनफोर्स करें, क्योंकि होता ये है कई दफ़ा कि जो एनफोर्समेंट की फटीग है वो इतनी शदीद हो जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर और हम सब के ऊपर एज इंडिविजुअल्स कि वो चीज़ बैठना शुरू हो जाती है, तो उसको ज़्यादा उजागर करने और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी। लेकिन सच ये है कि कोई ऑप्शन भी ऑफ द टेबल तो नहीं होती, अगर खुदा ना खास्ता ये नंबर्स घटते ना नजर आए तो फिर सब कुछ किया जा सकता। बिल्कुल सही, आखिर में मैसेज यही है कि एहतियात करें, वैक्सीन लगवाएं और मास्क पहने, फाइनल वर्ड्स यही हैं। बिल्कुल जी, आप एज ऑलवेज यू आर सक्सेंट एंड क्लियर, बिल्कुल आपने तीनों जो मेन मैसेजेस हैं वो उठा लिए बीच में से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुलाप हमारे साथ रहे। ये तो प्रोग्राम का एक हिस्सा है, लेकिन दूसरे हिस्से की तरफ आपको लेके चलूंगा, जहां पर
अफगान साइड वाला जो इशू है वो इस कदर टर्माइल है वहाँ पर, फ्लूइड सिचुएशन है, हमें अपने आप को मजबूत तोड़ना और पूरी कौम को एक ब्यक आवाज़ एक ही ज़बान से बोलना है, और जो हमारा कौमी बयानिया है कि हम एक पुरमन पीसफुल और फ्रेंडली अफगानिस्तान इस तरफ देखते हैं, तो उसी पुरमन अफगानिस्तान के लिए हमारी कोई ऐसी कोशिश नहीं है कि आपके हालात बिगड़ें, लेकिन आप वाली साइड से पाकिस्तान में टेररिज्म भी नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान के फौजी जवान जो उस इलाकों में तैनात हैं वहाँ पर मुतवातर हमले हो रहे हैं, TTP के रीग्रुप होने की खबरें आ रही हैं। अफगानिस्तान में अगर तालिबान और अमरीका के मुज़ाकरात फ्रूटफुल नहीं हो रहे तो ये नुकसान है इस पूरे खित्ते का, लेकिन उसमें हम कसूरवार नहीं हैं। अमेरिका जो 20 साल यहाँ बमबारी कर रहा था उसको अपना रोल अभी भी अदा करना है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद अपने पैनल से इन्हीं सवालात के साथ शुरू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अफगान सिचुएशन क्या रुख इख्तियार कर रही है, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं। जनरल साहब आपको खुश आमदीद भी कहूँगा। अफगान सफ़ीर वापसी और उनकी साहबजादी के हवाले से एक नाखुशगवार वाक़या क्या हुआ? देखिए फ़िलहाल कोई क्यासराई मेरे ख्याल है करना तो मुनासिब नहीं होगा। बहुत सारी जो थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं उसमें एक पॉसिबिलिटी जो मेरे लिए प्रॉबेबल नज़र आती है वो ये है कि ये शायद इनको किसी ख़ास पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कितना सादा वाक़या नहीं है जिस तरह अफगान सफ़ीर ने कह दिया या जो हमारी पुलिस बता रही है, क्योंकि इस तरीके से इतना अरसा घर से बाहर रहना और घर के जो ऑफिशियल व्हीकल इस्तेमाल ना करना, फिर बार बार टैक्सी चेंज करना और एक जगह से दूसरी जगह और बेमकसद तो फिर नहीं रही थी। ये ख्याल ये था कि ये जो आपने अभी बात कही इसके पीछे कुछ ऐसी एविडेंस मौजूद है, बड़ा ये तो इल्ज़ाम हो जाएगा कि वो पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल हो रही थी, ये एक चार्ज है बाकायदा, हमारे पास कुछ ऐसी एविडेंस है? देखिए एविडेंस तो ये जो आपके सामने आ रही है सारी सरकमस्टांसेस देखिए ना, इतनी चार टैक्सी चेंज करने की जरूरत क्या थी उनको, फिर अपने घर के पास से गुजर गए, घर नहीं गई, किसी और जगह चली गई और कहाँ कहाँ फिरी वो और क्यों फिरी वहां पे, क्या मकसद था उनका? अगर सिर्फ इतना सादा मकसद था कि अपने भाई के लिए तोहफा खरीदना था वो तो 15-20 मिनट के आधे घंटे का काम था, उसके लिए खरीद वापस आ सकती थी। तो ये सारी चीजें ऐसी है, कैसराई है, ये एक इसका एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है। और किसी ने अगर उनको अगवा करना था तो क्यों अगवा करना था, उनसे क्या मकसद क्या हासिल करना था? अगवाकारों ने कोई डिमांड दी, किसी को कुछ कहा? ये तो भी मैं किसी का सुना था अपने यूट्यूब पे, कोई बशीर रहमान साहब शायद ये कह रहे थे कि वो खुद ही पहुंच गई, पहले पिम्स गई और वहां पे पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने के वालिद को इतला दी और आते ही उन्होंने अगवा की बात। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आता है कि जो ऐसे सेंसिटिव एम्बेसीज होती हैं और उनका ख़ास तौर पर एम्बेसडर है या उसकी साहबजादी है, वहाँ पर एक बाकायदा हमारा सिक्योरिटी का एक पूरा स्ट्रक्चर है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी वेल मैनेज्ड, वो उनकी हिफाजत की खातिर ही सही, लेकिन नज़र रखनी पड़ती है कि कौन किधर गया, उसको कोई ख़तरा तो नहीं है, वो भी कैपिटल के अंदर, तो वो बेटी आई भी, टैक्सियाँ भी बदलनी, उसको किसी ने मारा भी, वो पेम्स भी चली गई, हम ये सारा कुछ ऑटो पर चलता रहे, हम लाइल्म क्यों थे? मैं थोड़ा सा इस पर हूँ कि ये क्यों लाइल्म क्यों रही सर से। देखिए यही चीज़ जो ऑफिशियल व्हीकल क्यों इस्तेमाल नहीं की, इतनी टैक्सियाँ क्यों उन्होंने चेंज की, वो जो अपना कहते हैं ना ट्रेलिंग कोई जिनको था, कोई ट्रेल कर रहा था शायद, उसको उन्होंने अपना ऑफ ट्रैक करने की कोशिश की, ये तरीक़ाकार हैं जो अपने इस पीछे अगर कोई इनका ताकुब हो रहा हो या उनका पीछा कर रहा हो तो उसे छुड़ाने के लिए इस किस्म के काम किए जाते हैं। इसमें इंटेलिजेंस वर्ल्ड वाले ये बात समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ, तो एक पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटीज हैं वो ऐसी मुनासिब सी हैं कि वो शायद TV पे बात करना बेहतर नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इनको अगवा करेगा तो क्यों करेगा? अगवाकार ने अगर इनको अगवा किया था जैसा कह रही है, इतने चंद घंटे भी इनको रखा, उसने कोई डिमांड तो पेश नहीं की, ना ये बता सकती है उनसे क्या मांग कर रहा है। मैंने वो पूरी बात समझ ली आपकी, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू आप दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल अभी भी ये है कि हम लाइन क्यों रहे जब ये हो रहा था सारा कुछ, वो टैक्सियाँ बदल रही थी, इधर से उधर जा रही थी, या अगवा हो रही थी या नहीं हो रही थी, बट एवर, लेकिन वो हम लाइन क्यों थे सरसे में? देखिए एक तो यह है कि जो फैमिलीज को मेरे ख्याल आमतौर पर इस तरह ट्रेल नहीं किया जाता, ये इतना ही कहा जाता, अगर इतला दे दी जाए प्रोटेक्शन तो देनी होती है ना, बंदोबस्त किया जाता है।
प्रोटेक्शन तो देनी होती है ना, अब मतलब इंडिया की सफारतखाने से कोई निकले या इंडिया अफगान सफारतखाने से कोई निकले तो उसका तहफ़ भी करना होता है, क्योंकि ये सिचुएशन हमें पता है कि किस तरह की है। जी वो देखिए, या तो उन्हें तला देकर निकले या कुछ और ऐसे बात हो, कुछ 24 घंटे अगर इनको कवर करना शुरू कर दे फिर और मसाइल खड़े हो जाते हैं। डिप्लोमेटिक कोर को इतना ज्यादा तो कवर नहीं किया जाता इस तरीके से, बहरहाल जो होस्टाइल जहाँ पे खतरे होते हैं वहां तो कवर होते हैं। सवाल है बहुत सारे, आपके भी हैं मेरे भी सवाल हैं बहुत सारे, हतमी तौर पर किसी नतीजे पर पहुंचना फिलहाल मैं समझता हूँ कि जरा अर्ली होगा। आई एम श्योर ये स्टोरी सारी बाहर आ जाएगी कि ये क्यों हुआ, क्योंकि एक चीज़ जो मुझे बहुत इंट्रीग करती है जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये अगवाई हुई होती तो ये खुद नहीं क्यों अगवा किया गया, कुछ पूछा गया, कुछ बताया गया, कुछ मांगा गया, या जो अगवा कार थे अगवा करने के बाद इनके वाले से कॉन्टेक्ट करते को बात करते, तो इसमें एक ये पॉसिबिलिटी तो एक है। दूसरी जो एक पॉसिबिलिटी जो है मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद ये ड्रामा क्रिएट किया गया, इसलिए क्रिएट किया गया कि ऐसे वक्त में जब अशरफ गनी की हुकूमत अपने आप को इस कदर अंडर प्रेशर महसूस कर रही है तो पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम गेम जो है पहले से ही जारी है, इसमें और इजाफा कर दिया जाए। अच्छा, हमारे साथ हैं फारूक हबीब साहब, तो मेरे ख्याल में उनसे हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू भी जान लेते हैं अब तक की तहकीकात के नतीजे में क्या चीज़ सामने आई। फारूक साहब आपका एक तो बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये बता दीजिए कि अफगान सफीर की बेटी, क्या हमारे पास कुछ अपडेट है तहकीकात के बाद कि क्या हुआ एग्जैक्टली? देखें, आज तो आपके इलम में है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र हैं डॉक्टर मोहित यूसुफ और आईजी इस्लामाबाद की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर वो कुछ डिटेल्स को सामने लेकर आए हैं, और जो जहां से वो निकली हैं, पहली टैक्सी ली है, फिर दूसरी टैक्सी, तीसरी टैक्सी, जिन जिन जगहों के ऊपर वो गए हैं उनको उन्होंने सब जगहों को ट्रैक एंड ट्रेस भी किया है, और उसके साथ साथ जो लोग उसके अंदर शामिल थे उनको शामिल तफ्तीश भी किया है, और उसके अंदर जो सेफ सिटी के कैमराज हैं, प्राइवेट कैमराज हैं, उन तमाम कैमराज से डेटा ले लिया है, और उसकी तहकीकात जो हैं वो जारी हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो हतमी तौर के ऊपर किसी नतीजा के ऊपर पहुँचा जाएगा। और इसके अंदर इस तमाम तर इंक्वायरी के जो अफगान सफ़ीर हैं और जो उनकी साहिबजादी हैं उनकी तरफ से भी जो है वो तावन दरकार है जो उसका वो हिस्सा बने, ताकि जो एक काम लेकिन ये फारूक साहब एक चीज बता दें कि ये जो तीन टैक्सियां बदलने वाली है, चार टैक्सियां, मुझे लगता है शेख रशीद साहब ने कहा कि शायद चार टैक्सी ड्राइवर्स जो थे वो इसमें इस वाक़े के अंदर वो मुलव्वस हैं, तो वो चार टैक्सियों में गई कहाँ? ये क्या हम अभी तक कोई चीज़ इस्टेब्लिश कर सके हैं कि वो तीन या चार टैक्सियां कहाँ गई? ये वाक़या अभी तक मेरे लिए एक मिस्ट्री सी है। देखें, उसकी तो हतमी तफसीलात जो हैं वो बिल्कुल यकीनन सामने ले आएंगे, लेकिन आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है और लोकेशंस भी जो हैं वो टेलीफोन्स की जो हैं वो आ जाती हैं, और उसके ऊपर जितनी जो तमाम तर हमारे पास टेक्नोलॉजी के ज़राए मौजूद हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है, और जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया है, उनको भी आइडेंटिफाई करके उनसे तफ्तीश जो है वो जारी है। जो तफसीलात अब तक सामने आई हैं वो ये है कि पहली टैक्सी लेके जो है वो खड्डा मार्केट जो F6 में वहाँ जाती हैं, उसके बाद रावलपिंडी चले जाते हैं जिस पे वो सदर पहुँचती हैं, उसके बाद जो है वो F9 पार्क का जो है वो मामला सामने आ रहा है, तो वो तमाम तर वहाँ से उनका फिर अपने सफारती अमले के साथ रबता होता है जहाँ से वो वापस जाती हैं। वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो किसी हतमी नतीजे के ऊपर पहुंचा जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, दूसरा पहलू वही है जो डिसइंफॉर्मेशन लैब के तौर के ऊपर जो सामने चीज़ें आई थी, जिस अंदाज से वो मुल्क दुश्मन अनासर जिस जो भारत से बैठकर सोशल मीडिया के ऊपर इस हाइब्रिड वॉर के अंदर, वॉर ऑफ ओपिनियंस के अंदर, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है उसमें पाकिस्तान को दुनिया के अंदर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिस अंदाज से एक खातून की या एक ऐसी तस्वीर जारी की गई जो कि ज़ख्मी है, जिसमें ये इमेज दिया गया, तासुर दिया गया कि वो अफगान सफीर की बेटी हैं, बाद में उनको खुद ट्वीट करके ये बताना पड़ा कि ये उनकी साहबजादी नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि उससे पाकिस्तान की जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उन्होंने भी इससे जो है वो फ़ायदा उठाने की जो है वो कोशिश की है। तो अब ये हमारी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, हमने इसके तमाम तरह हकाइक सामने लेकर आने इस हवाले से पड़ी, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी उनकी इस हवाले से हम हमारे मौशे के अंदर बेटियों को जिस तरीके से देखा जाता है, ये मलिक साहब एक ऐसा मामला है, सारी बात उनकी अगर आप ट्वीट का वो कंटेंट भी पढ़ लें
तो उसके अंदर उन्होंने वादे तौर के ऊपर ये लिखा हुआ है कि मुझे ये तस्वीर जो है वो ना चाहते हुए ट्वीट करना पड़ रही है, क्योंकि एक फेक पिक्चर को जो है वो वायरल किया जा रहा है। तो आपके इल्म में है कि वो हमें वो भी पता करना चाहिए कि वो तस्वीर किसने वायरल की जिसमें वो एक जख्मी खातून को दिखाया जा रहा है, उनके ऊपर काम हो रहा है, वो उसके ऊपर भी काम हो रहा है, जिसमें हमने पहले बहुत बड़े नेटवर्क्स पकड़े हैं। जी जी जी, वो एक जो पिक्चर है वो पता है, मालूम है कि एक पुरानी जो है वो पिक्चर है, और उसका क्या मामला, उसका एक अलग बैकग्राउंड है। लेकिन जो आपके इल्म में है कि पहले भी हमने एक नेटवर्क पकड़ा था किस तरीके से भारत से एक एक मिनट के अंदर जो है वो हज़ारों ट्वीट्स जो हैं फेक अकाउंट्स जो बने हुए हैं वहाँ से की जाती हैं, ट्रेंड्स बनाए जाते हैं दुनिया के अंदर जो है वो उनको वायरल किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि वही नेटवर्क जो है वो फिर से इस मौका के अंदर भी जो है वो एक्टिव हुआ है, तो वो उसकी कड़ियाँ भी जो हैं वो इसके साथ जो है वो जोड़ी जा रही हैं। चूँकि एक ऐसा मामला है जो सफारती सतह के ऊपर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा भी करना पड़ता है। लेकिन जो हतमी चीज़ें हैं वो हम ज़रूर सामने लेकर आएंगे ताकि हम दुनिया के सामने हकाइक रखें, और हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं पाकिस्तान एक जो है वो ज़िम्मेदार मुल्क है, और यहाँ पर और भी बहुत सारे डिप्लोमेट्स हैं, कभी ऐसा जो है वो वाक़या जो है वो नहीं हुआ उस मौका के ऊपर जहाँ से पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे अताउल्लाह तारिक साहब जो है उनसे भी इस पे राय लेने थे। और यहाँ पर तारिक साहब, जो अफगान सिचुएशन है वो एक्सप्लोसिव है राइट नाउ, तालिबान इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से अभी से थोड़ी देर पहले वो खसूसी जो नुमाइंदे हैं अमरीका के ज़ल्मे खलीलजाद वो आके मिले हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने अपना वो मौक़िफ़ पाकिस्तान का दोबारा दोहराया कि कोई बंदूक के ज़ोर के ऊपर कब्ज़ा करके ताकत के ज़ोम में हुकूमत बनाने की कोशिश करे अफ़गानिस्तान में तो उससे अफरा तफरी फैलेगी, एक पीसफुल नेगोशिएटेड सेटलमेंट होना चाहिए, ये हमारी पोजीशन ये है। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि तालिबान भी हमारे लिए दर्द सर हैं और अफगान हुकूमत भी दर्द सर है, जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो तो यही लग रही है कि हमारा वो जो एक ट्रेडिशनली क्लोज वार्म रिलेशन था अफगानिस्तान के साथ वो किस्सा पारीना हो चुका है। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, मैं आपका मशकूर आपने मदू किया। देखिए बात यह है कि जिस तरीके से ये अफगान सफीर की बेटी वाला मामला हुआ, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से, पाकिस्तान का एक जो इमेज है बाहर उस हवाले से, उसको नुकसान पहुँचाने की एक कोशिश लगती है कि हमारे कैपिटल से किसी सफारतकार की बेटी को अगवा कर लिया जाए। और मैं मुज़म्मत करता हूं कि बहुत जिन लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे हाइप दी और बगैर जानते बूझते हुए कि इसकी क्या रिप्रिकॉशंस हैं, हकीकत क्या है, बहुत जल्दी इस पे अपनी आरा देना शुरू कर दी। तो मेरा ख्याल है कि ये जल्दबाजी का ये मामला सामने आया है, तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। हर मामले पे ट्वीट करना, कॉमेंट करना ज़रूरी नहीं होता, और एज अ पाकिस्तानी मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने इसमें जल्दबाजी से काम लिया जो कि नहीं लेना चाहिए था। थोड़ा वेट करते, एक हसास मामला है, जहाँ पे पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात आती है वहाँ पे थोड़ा सा ज़रा समझ बूझ के और एक मामला फहमी के साथ जो है वो कदम उठाने चाहिए। और देखिए पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, वो वॉर ऑन टेरर हो, उसकी रिप्रिकॉशंस हों, हमारे शहरों में लोग शहीद हुए हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, हमारी पुलिस हो, हमारे बाकी इदारे हों, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, हमारे आम शहरी हों, हमने इसका बहुत खमियाजा भुगता है। और ये जब भी अफगान सिचुएशन वॉलेटाइल हुई है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये टाइम है कि हमें एज अ कौम इकट्ठे होने की ज़रूरत है इस इशू को टैकल करने के लिए। जो हिकमत अमली जो भी बनेगी उस हवाले से तमाम लोगों का इनपुट आए। और देखिए ये कह देना काफ़ी नहीं है कि हम बॉर्डर्स बंद कर देंगे या हम फ्लां कर देंगे, इस सूरत हाल से निमटने के लिए बहुत मेरा ख्याल है कि एक समझ बूझ के साथ इसकी आगे की स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, और जो भी बने वो फिर तमाम तर जो पोलिटिकल कैनवस है, पार्लियामेंट है, तमाम तर इदारे हैं वो एक पेज पर हों और इसको उस तरीके से आगे लेके चला जाए, क्योंकि ये अमेरिका के इनखला से उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे होना है और इसको बड़ी संजीदगी से लेना होगा। और मैं समझता हूँ कि एज अ मीडिया पे भी हमें इस पे बड़ा रिस्पॉन्सिबली बात करनी चाहिए, हमें ये बात समझना होगी कि खुदा ना खास्ता अगर ये इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान तक, क्योंकि काफ़ी हद तक पहुँच रही है, इसका इफेक्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ पर एक स्टैंड भी लेना है और हमें बतौर पाकिस्तानी कौम
अपने आप अपनी सरहदों की भी हिफाजत करनी है और अपने लोगों की जिंदगियों के तहफ्फुज़ के लिए जो स्टेप्स हम ले सकें, मेरा ख्याल है बतौर पाकिस्तानी हमें वो लेने होंगे। दुरुस्त है। जनरल मुस्तफ़ा साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछ लूँ, ब्रेक में जाना है मैंने, लेकिन इसका जवाब आपसे ले लूँ कि तवातर के साथ पाकिस्तान की फोर्सेस को हिट किया जा रहा है, ख़ासतौर पर वो इलाके जो अफगानिस्तान के सरहद के करीब हैं। कैप्टन हमारे पिछले एक हफ्ते के अंदर दो वाक़यात के अंदर दो कैप्टन शहीद हो गए, सिपाही शहीद हो रहे हैं, हवालदार शहीद हो रहे हैं, आज भी एक सिपाही के शहीद होने की इतला है। क्या TTP रीग्रुप कर रही है या कुछ और है ये नेक्सस जो काम कर रहा है डायरेक्टली सिक्योरिटी के इदारों को हिट कर रहा है? देखिए, नेक्सस तो बहुत बड़ा है ये, और अमेरिका का इस तरीके से निकल जाना, खिलाफ पैदा कर देना, और बाइडन का ये पैगाम के पाकिस्तानी ने और इलाके भी हमारे पास हैं जहाँ से हम अपने इंटरेस्ट को लुकआउट कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा से एक बात तवातर से कहता आया हूँ कि अमेरिका की फोर्सेस शायद यहाँ से निकल जाएंगी या निकल गई हैं, अमेरिका यहाँ से नहीं जा सकता, और इसके लिए उसने अफगानिस्तान को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना है। इसमें जो पाकिस्तान के जो बेडरॉक है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का, आपके आर्म फोर्सेज हैं उनके ऊपर अटैक आपके हो रहे हैं, आपके दूसरा आप देख लीजिए दासू का जो वाक्य हुआ है वो हुआ है, जॉर्डन का वाक्य देख लीजिए ये हुआ है। तो ये एक कोशिश है उनकी कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर इतना फंसा दिया जाए, हम कुछ और कर ना सकें, कोई स्टेज वो आ जाए कि पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए और वो सब कुछ करे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के तो खिलाफ है लेकिन अमेरिका की, भारत की, दूसरों की जो इस इलाके में वफादात हैं उनकी निगहदाश्त करे। अब ये हो नहीं सकता क्योंकि मामलात बहुत डिफरेंट हैं, और मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली पाकिस्तान को जो पाकिस्तान ने फैसले किए हैं अच्छे फैसले हैं, बहुत मुनासिब फैसले हैं, लेकिन उनकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और उन कॉन्सिक्वेंसेज में एक ये भी है कि पाकिस्तान की फोर्सेज को पाकिस्तान के शहरों में इम्पोर्टेंट जगहों पर ऐसे पैगाम रसानी की जाएगी ऐसे वाक़यात के ज़रिए ताकि पाकिस्तान दोबारा शायद अपने फैसलों को रिकंसिडर करे। तो ये पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, और मैं ये तार साहब की बात सुन रहा था, बड़ा सही कहा उन्होंने कि इस वक्त ज़रूरत यह है कि बहसीत कौम हम मुतहद हों और इस चैलेंज को समझें और इससे निपटने के लिए अपने जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस है, दूसरी एजेंसीज हैं, उनसे तआवुन भी करें और उनकी बात कान भी धरें और मीडिया के जरिए भी और पार्लियामेंट के जरिए भी। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो दोबारा इसी के ऊपर बात करें। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जब कोई ऐसी मुश्किल सूरत हाल हो कि सिक्योरिटी के अदारे जो हैं उनको आपको बैक करना चाहिए, जैसे अभी हम सूरत हाल हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स पे तो सदा से रहती है लेकिन इस वक्त हमारी अफगान सरहद के साथ सूरत हाल 9/11 के बाद बहुत ज़्यादा अबतरी की तरफ जा रही है मुसलसल। पहले तो वो अमरीका जंग ताकत के ज़ोर पर जीतने की कोशिश कर रहा था, फ़ौजें वापस बुला ली हैं, तो हमारे लिए एक उससे बड़ा ख़तरा मंडला रहा है कि तालिबान काबिज़ हो रहे हैं, वहाँ खाना जंगी का अंदेशा है, पाकिस्तानी इलाकों में उसका स्पिल ओवर हो सकता है। फ़ौज को बैक करने के लिए आम तौर पर पाकिस्तानी सियासत में इसे एक पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा समझा जाता है। कश्मीर इलेक्शन में हमें उसकी झलक नज़र आती है। मरियम नवाज़ के बयान जो पिछले साल डेढ़ साल से कुछ और नौयत के थे, वोट को इज़्ज़त दो, फ़ौज सियासत से दूर रहे, लेकिन कश्मीर इंतखाबात के अंदर फौज को वो मुसलसल बैक करती हुई और सल्यूट करती हुई नजर आती है। दिखाइएगा जी। मेरे फौजी बेटों, मेरे फौजी भाइयों, मैं आप सबको LOC पे खड़े उन तमाम पाकिस्तानी फौजियों को, पाकिस्तानी मिट्टी के बेटों को दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ। मैं सरहदों पर खड़े पाकिस्तान की फौज के उन मुहाफिज बेटों को भी सलाम पेश करना चाहती हूँ जो किसी भी सियासत से बाला तर होकर अपने वतन अजीज के दिफा के लिए सरहदों पर खड़े जाने हथेलियों पर लेकर अपने वतन का मुहाफिजा कर रहे हैं, मुहाफिज बने हुए हैं। मुझे यही सुनने को मिलता था नवाज शरीफ और मरियम नवाज फौज के खिलाफ हैं और फौज नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ है
और फौज ने मरियम नवाज के चेहरे पे रेड क्रॉस लगा दिया है। मैं ये बात आपको बताऊं जो आप लोगों के लिए शायद इनकशाफ होगा। उन प्रोपेगेंडिस्ट के मुंह पे तब थप्पड़ पड़ा जब हर फौजी जवान जो मेरे रास्ते में खड़ा था उसने सीने पे हाथ रख के मेरा इस्तकबाल किया। एक फौजी ने मेरी गाड़ी रोककर, वर्दी में था, उसने कहा कि मैडम आपकी स्पीचेस हमें मोबाइल रखने की इजाजत नहीं, आपकी स्पीचेस हम रेडियो पे सुनते हैं। फारूक हबीब साहब, आपसे चाहूंगा इसका रद्द अमल, ये कोई नया ट्विस्ट है पाकिस्तानी सियासत में, ये क्या है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात ये है कि ये तो हमें देखना पड़ेगा कि किस मौका के ऊपर। देखिए, जब जो हमारे मुल्क के आईनी इदारे हैं उसी का एक हिस्सा है, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे फौजी जवान हैं, फौज ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, और इस दहशतगर्दी की जंग के अंदर हमारे हज़ारों जवानों ने अपनी जानों का नजराना दिया है और अभी तक जो है वो देते आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बतौर है मरियम के बयानिया के ऊपर आपका रद्द अमल क्या है? पाकिस्तान को, जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, बतौर एज ए इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के ऊपर किसी भी मौका के ऊपर जब भी कोई मुश्किल आई है तो बतौर एज ए इदारा फौज पाकिस्तान ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। अब जो है वो इनको खुद देखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, खुद ही गौर करें अपनी अदाओं पर। हम कहेंगे तो शिकायत होगी कि आप पहले किस किस्म के बयान देते हैं और आज आप क्या बात कर रहे हैं। और नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ कर जो बयानिया अख्तियार किया, वो बयानिया जो है वो किसका बयानिया था? उस बयानिए से आप जब बतौर किसी इदारे के सरबराह को हिट करेंगे, उनका नाम लेंगे, तो उसका फ़ायदा किसको होता है? कोई नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मुल्क दुश्मन कूदते हैं, जो उन बयानात को बाद में हेडलाइंस बना के जो है वो चलाते हैं। लेकिन मैं उस तरफ भी नहीं जाना चाहता। आज की जो ज़रूरत है, जो बुनियादी तौर पर, वो ये है हमारी कि हम अपनी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज की बैकिंग करें, उनके पीछे खड़े हों, क्योंकि मुल्क की जो कौमी सलामती है उससे अहम कोई चीज़ नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, तारिक साहब से भी पूछते हैं इसके ऊपर। तारिक साहब, आप क्या कहेंगे, ये क्यों तब्दीली है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के बयानिए में, क्योंकि मरियम नवाज ने पूरी कैंपेन के अंदर इन स्लोगन को इस्तेमाल किया? देखिए, बात यह है कि जहां तक बात है शहदा की, गाजियों की, मुल्क की हिफाजत की खातिर सरहदों पर जो अपने फराइज सर अंजाम देते हैं, अपने घरों से दूर तैनातियों पर रहते हैं, तो वो मुल्की खिदमत है। देखिए, बात हमारी जो बात है वो आइन की हुक्मरानी के हवाले से एक बात है कि आइने पाकिस्तान में तरीक़ेकार दर्ज है कि किस पाकिस्तान की अकाई ने, किस पाकिस्तान के इदारे ने किन हदूद में रह के काम करना है, क्या काम करना है। तो वो आइन की हुक्मरानी की एक बात अपनी जगह पे है, और खराज तहसीन उन लोगों को, उन शहदा को, उन गाजियों को, सरहद के महाफिजों को, वो अपनी जगह पर है। तो मैं समझता हूँ कभी भी हमने इस तरह का ना बात की है, ना इस तरह की कोई तासुर दिया है कि खुदा ना खास्ता हम जो सरहदों के मुहाफिज हैं उनके खिलाफ को बात करें। तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल क्लियर है, और ये डे वन से क्लियर था, इसमें कोई तब्दीली वाली बात मैंने नहीं देखी। मैं समझता हूँ ये डे वन से ये था, और मरियम साहिबा की माजी में भी कोई कहीं पे शहादत हो किसी भी ऑपरेशन के दौरान, तो वो हमेशा उनकी ट्वीट आती है और वो हमेशा जो है वो शहदा के हवाले से बात करती हैं। जनरल गुलाम मुस्तफा से भी इसका जवाब चाहूंगा। जनरल गुलाम मुस्तफा, आपको क्या लगता है कि क्या कोई शरीफ फैमिली के लिए या मरियम या नवाज शरीफ के लिए कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हुआ है, कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, क्योंकि बयानिए में तब्दीली आई है? बहरहाल जी, मैं जो जाती राय तो यही है कि कहीं ना कहीं PMLN को ये महसूस हुआ है कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। और जब नवाज शरीफ ने यह भी कहा मियाँ साहब ने कि भई हम कोई मिलेगा नहीं उनसे, उस वक्त भी इनके लोगों की मुलाकातें जारी थी, और ये आज की बात नहीं, तारीख का एक हिस्सा है। अच्छा, ये करना तो शायद आपने बढ़िया, और दो मजे की अभी आपने बातें की हैं। एक आपने कहा कि शरीफ फैमिली को एहसास हुआ है कि कहीं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, और दूसरा जब वो कह रहे थे कि किसी से बात नहीं होगी तब भी मुलाकातें हो रही थी। दोनों बातें आप मेरे ख्याल में सही कह रहे हैं, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मरियम साहबा का ये जो बयान है इसको इतना ज़्यादा हमें
ना तो मेरा ख्याल है कोई ताले बजाने की जरूरत है, ना इस पर परेशान होने की जरूरत है। फौज अपने आम फौजी जो है वो अपने मकासद अपने जो जिम्मेदारी है उनको समझता है, और ये गलत फहमी है उनकी कि जो जर्नैल आके बैठता है वो एकदम पैराशूट नहीं करता, वो एक सेकंड लेफ्टिनेंट से शुरू होता है, वही नहीं बॉर्डरों पर नहीं पत्थरों पर चल के आता है, कहीं मौका मिलता है किसी को जर्नैल बन जाता है। तो बहसीत इदारा जो तनकीद की गई थी इस कदर ज़्यादा और कदर मनफी इम्प्रेशन क्रिएट किया गया, तो उससे एक चीज़ जो मैं समझता हूँ नूली की लीडरशिप को समझनी चाहिए कि एक इदारा जाती एक हाफजा होता है वो, और वो अगर एक हाफजे में चीज़ बैठ जाती है तो उसको दूर करना बहुत मुश्किल बात है। मुझे वो याद है एक बड़ी मुख्तसर बेनज़ीर ने मुझसे एक दफ़ा पूछा, मैं जब रिटायर हो गया हुआ था कहीं बात हुई कि फौज हमारे मुखालिफ क्यों है, मैंने कहा बीबी अगर आपको ये बात समझ अभी नहीं आ रही अभी तक नहीं आई तो फिर मेरा ख्याल है कि आपको अपनी सारी सियासत पर गौर करना चाहिए। तो फौज का बहसीत इदारा एक हाफजा होता है, क्योंकि आज कल सेकंड लेफ्टिनेंट है वो कल को जाकू नहीं मैसे जनरल बनने हैं, तो वैसे में बात करते वक्त हमें मोहतात भी रहना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि इस बात का फ़ायदा किसको हम पहुंचा रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा इसका, और अगर रैंक एंड फाइल में अगर ये समझते हैं किसी से कोई डिफ्रेंशिएशन हो जाए या कोई ज़रा सी भी दरार पड़ जाए या कौम के दरमियान और फौज के दरमियान को ऐसा मसला हो जाए तो फिर मेरे ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि पाक फौज की स्ट्रेंथ पाक फौज खुद नहीं है, पाक फौज की जो आज स्ट्रेंथ है ये जो मेरे भाई बैठे हुए हैं फरक भी बैठे हुए हैं तारड़ भी बैठे हुए हैं ये सब सब जब खड़े होकर एक कंधा मिलाते हैं फौज के साथ पूरी कौम मिलाती है तो पाक फौज की स्ट्रेंथ है, ये वो स्ट्रेंथ है जिसको दुश्मन भी टारगेट कर रहे हैं, हमें स्ट्रेंथ को ना सिर्फ महफूज रखना है बल्कि उसको बढ़ाना है हमें। दुरुस्त है। एक फर्क सब आखिरी आपसे रिमार्क्स ले लूँ, पार्लियामेंट्री ओनरशिप रहनी चाहिए इस प्रोसेस की, वो थोड़ा सा भी मुझे लगता है एक कमज़ोर एरिया है, आपको उस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। देखिए मेरे ख्याल में पूरी पार्लियामेंट जो है वो इसके साथ खड़ी है, आपके इलम में है कि पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी की जो है वो पार्लियामेंट्री लीडरशिप की कमेटी का इजलास हुआ सर, पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी इस पर बात होनी चाहिए ज़्यादा तफसील से। बिल्कुल जी, पार्लियामेंट का मेरे ख्याल में पार्लियामेंट का इजलास जो है वो जारी है, और ईद के बाद जो है 30 जुलाई से दोबारा फ्राइडे को इजलास होगा और पार्लियामेंट के फोरम के सामने भी ये चीज़ें आ जाएंगी, और इस हवाले से मैं समझता हूँ किसी किस्म की कोई दो राय है ही नहीं है। लेकिन जो अभी जनरल साहब बात कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे, आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। देखें कि इदारा है वो डिसिप्लिन इदारा है, उसका चाहे एक जवान से ले कर उसके जर्नैल तक वो सब डिसिप्लिन को जो है वो फॉलो करते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा काम कर रहा है या आईनी करदार के तहत कर रहा है और जो कुर्बानियां दे रहा है वो भी अच्छा काम कर रहा है और कोई गलत काम कर रहा है, ये पिक एंड चूज़ नहीं हो सकता। लिहाजा फ़ौज को जब देखा जाता है तो उसको एक बतौर इदारे के तौर के ऊपर देखा जाता है, और वो भी मैं समझता हूँ कि उसी डिसिप्लिन को जनरल गुलाम मुस्तफा साहब आप सबका शुक्रिया, आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।